आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, उन पर मुकदमा चलाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपकी अदालत में आज आपको एक ऐसा मुकदमा देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं आपने देखा। पहली बार आपकी अदालत में ये मुकदमा कॉमेडी विद कपिल में खड़का दिया। एक बार जोरदार तालियां मेरे फेवरेट रजत जी के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आपको कैसा लग रहा है सर कॉमेडी नाइट्स में आके? आपको लगेगा थोड़ी देर में। सुना था कि 100 सुनार की एक लोहार की। चलो पाजी कभी बेटा, कभी स्पार्किंग होने वाली है आज। धमाका ऐसा तगड़ा हो कि जमीन और आसमान हिल जाए। रजत शर्मा और कपिल शर्मा, ये दो शर्मा अगर मिल जाए। पर मुझे पता है एक बात बड़ी अच्छी लगी कि रजत सर ने आज जैसे लोगों को बता ही दिया कि आज यहाँ पे वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बिकॉज जिन बड़ी बड़ी शख्सियतों को जो शख्स हमेशा कटघरे में खड़े करते आए हैं, आज खुद वो हमारे कटघरे में खड़े हैं। मैंने जनता से वादा किया था आज उनको वो देखने को मिलेगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा। जी सर। पर आप थोड़ी गलतफहमी में हैं। मुकदमा आज मुझ पर नहीं चलेगा, मुकदमा आप पर चलेगा। सर जहां तक मुझे याद है आप मजाक तो नहीं करते हैं। मैं बहुत सीरियस हूं और मैं पूरी तैयारी करके आया हूं उन सारे इल्जाम की। वो सारे लव लेटर्स जो आपको लिखे जाते हैं उनकी कॉपियां मेरे पास में हैं। बेटा मतलब सर डिटेल में बताएं कि क्या होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि आप आज कटघरे में बैठेंगे और मैं आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से, इस जनता की तरफ से और जो देखते हैं शो उनकी तरफ से आप पर इल्जाम लगाऊंगा। ठुक गए गुरु। ये तो सर आज आपने मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को कॉमेडी नाइट्स विद आपकी अदालत बना दिया सर। तो वो करना शुरू करें जब बनी गए आपकी अदालत। तो सर जब आपने सोच ही लिया तो मुझे पता आप करके ही रहेंगे। आइए। कपिल शर्मा पर इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवजोत सिंह सिद्धू साहब से कि वो आज आपकी अदालत में जज बनना स्वीकार करें। अरे सर जी, मैं तो बड़ी देर से इंतजार कर रहा था इसका फैसला करने के लिए। आजा बच्चू। एपिसोड से आप मेरे साथ थे, आज रजत जी आए तो उनकी तरफ हो गए। वाह पाजी क्या बात है। आज पहले जज होंगे जो शायरी में फैसला सुनाएंगे। भाई तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, पलक का डांस और दादी का चखना चखते हुए, कपिल शर्मा को डाल दो जेल में, ये दोषी है, अदालत ये फैसला देती है। दिल पे पत्थर रखते हुए ठोको ताली। कपिल मुझे इधर उधर की बातें करके भटकाने की कोशिश ना करें, मैं जिस काम के लिए आए वो पूरा करना चाहता हूं। तशरीफ का टोकरा रखिए। आज बड़ा नॉटी बॉय नहीं है, नोना बच्चा बना हुआ है तू। कपिल पहला इल्जाम। जी सर। जो पूरे हिंदुस्तान की जो पति है वो आपसे परेशान है। ऐसे क्यों सर? हर पत्नी चाहती है उसका जो पति है वो कपिल जैसा मजाकिया हो, फनी हो, विटी हो। ये जो हिंदुस्तान की आप पत्नियां की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कहीं आपने अपना नाम तो नहीं रखा हुआ घर पे? परेशान क्यों है सर? मैं तो देश सेवा कर रहा हूं, हंसा रहा हूं लोगों को। हंसा रहे? शादी के बाद तो बड़े बड़े हंसना भूल जाते हैं। सिर्फ मैं ही हंस रहा हूं दिल पे पत्थर रख के। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि वो हंस रहे हैं शादी के बाद भी। वो हंसी कितनी नकली है तो हम सब जानते हैं। तो कपिल ये कुछ लेटर्स हैं मेरे पास में जी, जो पत्नियों ने भेजे हैं। ये देहरादून से एक लेटर है नूपुर डोभाल का।
जी, वो लिखती है कि वो अपने पति को कॉमेडी नाइट्स के रिपीट टेलीकास्ट दिखाती हैं। अच्छा, ताकि उनके पति कपिल जैसे उन्हें हंसा सकें। और दूसरी चिट्ठी है लखनऊ से निधि श्रीवास्तव की। ये लिखती है कि जब से कॉमेडी नाइट्स देखना शुरू किया है, मैंने रियलाइज किया कि मेरे पति का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना खराब है। तो ऐसे पतियों से कुछ कहना चाहेंगे आप? जितनी मेरी जानकारी है बाजी, कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है सर जो अपने पति से खुश रहे। 100% आप खुश कर ही नहीं सकते। जिसका पति नहीं हंसाता वो कहती मेरा पति हंसाता नहीं है। अगर कोई हंसाने पे आ जाए तो शाहरुख जैसे रोमांस नहीं करता। आप देखिए बाजी, शाहरुख भी अपनी बीवी से रोमांस थोड़ी ना करते, दूसरों की बीवी से करते। आप कभी गौर से देखना, अपनी बीवी के साथ तो फर्नीचर की ऐड कर रहे हैं वो। मेरे को जोक याद आ गया कि पत्नियों की बात कर रहा हूँ। एक पत्नी ने अपने पति के लिए दो टाई लाई, एक लाल रंग की नील रंग की। पति ने अगले सुबह नहा नहा के ना लाल रंग की पहन ली। बीवी भड़क गई, मेरे को पहले बता दो आपको नीली पसंद नहीं आएगी, आप कैसे खुश कर सकते बाजी को? क्या किसकी तरफ जाहिर कर रहे हैं आप? सर नीली टाई किसने पहनी हुई है? अच्छा वैसे रजत जी, मैडम भी तो आपसे सवाल पूछती होंगी घर पे। ये वो राज है जो सबके सामने नहीं बताया जा सकता। पक्का मैडम पूछती होंगी, इनको कोई जवाब नहीं आता फिर बाहर आके फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। बड़ा अधड़ सवाल पूछते हैं। जी सर, ये बातों में उलझा के बचने की कोशिश ना करें। इल्जाम ये है कि वैसे तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है, और मैंने देखा कि कैसे शाहरुख खान ने आपको सबके सामने नंगा कर दिया था आपकी अंग्रेजी को। I didn't see, I missed that episode, sir. लेकिन जब आपके शो में लड़कियां आती हैं, खूबसूरत लड़कियां आती हैं, जी सर, तब ये आई लव यू कैसे बोल देते हैं? तब अंग्रेजी कहां से आ जाती है? आई लव यू अंग्रेजी का लफ्ज है सर। मैंने तो सर हिंदी फिल्मों में बोलते सुना सबको आई लव यू, मैंने बोल दिया। तो इंग्लिश फिल्मों में नहीं होता? इंग्लिश फिल्मों में आई लव यू बोलते कहां सर, वो तो इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बिना आई लव यू के शुरू हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, अच्छा फाइटिंग सीन चल रहा है, एंजेलिना जोली टाइप पिस्तौल निकाली, आई विल किल यू, सडनली पता नहीं दिमाग में क्या आता है, पिस्टल पीछे चला जाता है अपना जो भी उन्होंने। और अंग्रेज लोगों का माइंड इतनी जल्दी चेंज होता है ना, आपको छींक आ जाए उतनी देर में आप सीन मिस कर देते हैं। वाकई में आपकी अंग्रेजी कमजोर है? यस सर, इवन आई थिंक सो दैट माय इंग्लिश इज नॉट अप टू द मार्क, बट आई हैव बीन ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गेट इट अप टू ए एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू कन्वर्स इट कंफर्टेबली। शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते 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 जी। हाँ जी, मैं आपके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आया हूँ। पहली बार मैंने इस शो में चाय और स्नैक्स देखे हैं, वरना तो आप ये खाली ट्रे लेके आते हैं हमेशा। सर ये एक्चुअली बकरी ने आज खुद अपनी तरफ से दूध दिया है। कहती रजत जी को चाय में बिजी रखो, नहीं तो सवाल पूछ पूछ के मार देंगे। खैर सर, ये आपके लिए स्पेशल मैं स्नैक्स इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो इनसे मेरे पैसे दिलवा सकते हैं। आज मैंने इन पर इल्जाम लगाने हैं। तू इल्जाम लगाएगा? जी, जाके पहले कुकर पे सीटी लगाना सीख बे, चल। देखिए आज आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा। सो बिट्टू शर्मा पर ये इल्जाम है सर कि इन्होंने मेरे से एक साल फ्री में नौकरी करवाई है और एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे तो ये पता चला कि ये पहले ऐसे नौकर हैं दुनिया में जिनसे आप पैसे लेते हैं। It's just a rumor, sir. और पाजी आपको पता है ये मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे, इसी की वजह से देश तरक्की नहीं कर रहा। ये तनख्वाह नहीं दे रहे, देश की तरक्की का क्या संबंध है? मैं क्या करूं, मेरा टैक्स देने को इतना ज्यादा दिल कर रहा है, ये तनख्वाह नहीं दे रहे, टैक्स कहां से दूंगा मैं? तेरे जैसे लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेती, तू अपना मुंह दिखा, उल्टा तेरे को सिलाई मशीन देंगे वो। और 10 किलो आटा अलग से। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनकी हालत ऐसी नहीं है कि आपकी तनख्वाह दे सके। अच्छा, या ही अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। एक तरीका, अगर सिद्धू साहब आप जज हैं, आप अगर इजाजत दें, तो ये एक तरीका निकाल सकते हैं कि हफ्ते भर तक
ये मालिक बन जाए, ये नौकर बन जाए, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही हो, तामील हो। तो मैं नौकर हूं आज से। हाँ, आप नौकर हैं और ये मालिक है। जी मालिक, कोई हुक्म? एक मिनट, तुम्हें नहीं पता मालिक के साथ कैसे बात करते? बदतमीज नौकर, कौन लेकर आया इसको? जैसे को तैसा। नौकर पजामे में पॉकेट है तो है नहीं, हाथ कहां पे रख रहा है? So, नौकर? जी मालिक। ऐसे करो, जल्दी से जल्दी दो कप गर्मा गर्म तनख्वाह लेकर आओ। सर आप लाख कोशिश कर लिए, भैंस भैंस ही रहेगी, डायनासोर नहीं बन सकती। ये मालिक बनने के गुण ही नहीं है इनमें, क्या करें? ठीक है ठीक है नौकर, ऐसे करो तुम कुछ भी बोलो, मैं फिर उसी हिसाब से बोलूंगा। मतलब आप मालिक है, मैं नौकर हूं? हाँ मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो। मेरा 50,000 रुपए दीजिए जो लिया था। दीजिए ना मालिक। सर आप हमारे घर में फूट क्यों डलवा रहे हैं? तो फाड़ कर दिया। हमारा इतना प्यार है, ये मेरे भाइयों जैसे हैं, ये देखो। आ गया लाइन पे, आगे से शिकायत लगाएगा मेरे किसी को? नहीं लगाऊंगा, पर ये ना बताना कि पजामे में पॉकेट नहीं, मैंने हाथ कहाँ रखे हैं। सर दबा हो जाए अंदर जाके। बेइज्जती कॉम्प्लीमेंट्री है। सर मैंने पहले कहा था झूठे इल्जाम लगाते हैं ये लोग, एक इल्जाम से तो मैं बच गया। अब अगले इल्जाम पर आ जाएं। ये इल्जाम मुझे जो हिंदुस्तान के रेस्टोरों के ओनर्स हैं उन्होंने भेजा है। इल्जाम भेजा, बिरयानी भेज देते। जी क्या कह रहे हैं जी वो? उन्होंने कहा कि ये वीकेंड्स पर जी ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जी ये जो शो आता है, इसकी वजह से उनका धंधा कम हो गया है। हाँ। लोग घर में बैठ के आपका शो देखना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं जाते। सर ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। आप देखिए 10 बजे हमारा शो आता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 7 बजे खाना खा लेना चाहिए, तो हम लोग तो लोगों को हंसा रहे हैं ताकि वो 7 बजे खाना खा लें, 10 बजे शो देखे, 11 बजे हंस हंस के। ये तो अफवाहें फैली हुई है कि योगा करने से होगा, मैं तो कहता हूँ हंसने से होगा। आप स्वामी रामदेव बनने की कोशिश कर रहे हैं? अरे नहीं सर, मैं कहाँ बन सकता हूँ। टल्ली है टल्ली। अरे वाह बिच्चू, नया सोफा सेट। दादी तो फिर पी के आइए। यू नो ना, आई डोंट ड्रिंक बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, I drink because of helplessness. What is this, Shushu? Arey Rajat beta! Arey! Uska bhi time aayega, room ka bhi sab ek ho raha hai. Arey, hamare ghar Rajju aaya hai. रो क्यों रही आप? क्या बताऊं, जरा पूछ तो सही। ये खुशी के आंसू है रज्जो, तुम्हें इस घर में देखकर अब तुम मैं बिट्टू पर अपने दिल के इल्जाम लगा सकती हूँ। आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप लगाइए इल्जाम। माय फर्स्ट इल्जाम, मेरी लाख कोशिश के बावजूद बिट्टू ने आज तक मुझे पर्दादीन नहीं बनाया। मैं जहां तक समझता हूं इसमें आपकी कोशिश नहीं, कोशिश तो इनको करनी है। सर देखिए क्या करेंगे, मतलब देख सकते हैं सर, सड़क पे घर है, सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, कभी कोई इधर से आ गया, कभी उधर से आ गया, पीछे भी लाइटें चल रही हैं, क्या आदमी करे तो करेंगे। ये सब बहाने हैं कपिल, सलमान खान जब आए थे जी जी तो आपने उनको साफ साफ कहा कि मुझे बीवी पसंद नहीं है, और ये कहा कि मेरी बीवी का मुंह केटली जैसा है। ये कौन सा तरीका हुआ रोमांस करने का कपिल? सर एक्चुअली बात ये है कि रोमांस करना आता ही नहीं सर। आपके शो में जी दीपिका आई जी, आपने रोमांस किया,
प्रियंका आई, उनके साथ फ्लर्ट किया। सॉलिड सॉलिड, बाहर निकल रहा है, फूट फूट के। मैं आपको और उदाहरण दूं, मलाइका अरोड़ा, वो शादीशुदा हैं। जी सर। उनके हस्बैंड वहां पर थे, आपने उनसे कहा कि मैं अरबाज के मुक्के खा लूंगा लेकिन फ्लर्ट तो पक्का करूंगा। बाज नहीं आएगा तू। सर ये आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको जलसी हो रही है। और मैंने ना सर मलाइका को देख के फ्लो फ्लो में निकल गया मेरे मुंह से। मैंने तो ये कहा था कि मुक्के खाने को तैयार हूं, सिद्धू भाई तो गोली खाने तक तैयार थे। एक बात है सिद्धू भाई जी, रजत जी शो बड़ा बारीकी से देखते हैं, आपको पता कभी कभी मिस हो जाता है, मैं खुद इनके चैनल पे देखता हूं। मतलब आप ये मानते हैं कि आपको रोमांस करना आता है? सर कभी कभी आ जाता है, जैसे 10 से 12 आ जाता है कभी कभी। कभी 2 से 4 आ जाता, कभी कभी नहीं भी आता सर, क्या करें। नहीं आता है। रोमांस करना नहीं आता है। नहीं आता ना। यहाँ के तुझ पर हमारे खानदान का नाम बदनाम करेगा। दादी। Wait a minute, mine is not over yet. I will show him how to do romance. Just watch. Just help me come in the center. अरे बजाओ कमबख्तो! सर सही टाइम पर रोक दिया, ये शगुन की पप्पी भी देती है। अब दादी आपने बहुत गड़बड़ कर ली, अब जरा आप यहाँ आ जाइए। कपिल आप आ जाइए। आइए सर। अरे मेरे पे भी इल्जाम है? रियली? ओह वाह! दादी आपकी शराब पर जो खर्चा होता है उसके बिल मेरे पास में है। जब से ये शो शुरू हुआ है, 127 बॉटल रम, 52 बॉटल विस्की, 16 बॉटल देसी शराब आप पी चुकी हैं। वैसे अगर आपके पास इतना हिसाब है तो आप बिल क्यों नहीं चुका देते? दादी लाल है तेरे को, मेहमानों से ऐसे बोलते हैं? ये तो सर इससे तो बकरी भी परेशान है, पता है? कहती दूध भले ही आधा लीटर कम दे दे लेकिन 30 ml रम दे दे, ऐसे बोलती है। और दादी एक इल्जाम ये भी है कि जब यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं, या जिनकी इज्जत करनी चाहिए, आप उनके साथ बेहूदगी करती हैं, जैसे अभी अभी आप कर रही थी। अगर हिसाब लगाओ 60 एपिसोड में 54 बार आपने यहां आने वाले मेल सेलिब्रिटीज को किस करने की कोशिश की? एक्चुअली क्या है ना, चोट पे लगाती है। किसिंग कम्स नेचुरली टू मी। और कुछ नहीं है, वो शगुन की पप्पी है। ये शगुन की पप्पी सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। उनको करेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। दादी एक इल्जाम और है। रियली? गो अहेड। लोग कहते हैं कि जब भी कोई यहाँ लोग आते हैं, आप उनसे कहती हैं, इमारत भले ही कमजोर हो बुनियाद अभी भी बुलंद है। तो अगर आज ये जनता जो बैठी है इसको बता दीजिए इसका मतलब क्या है, ये कौन सी बुनियाद है, कौन सी इमारत है? प्रमाण दो, प्रमाण। आज मैं बता ही देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। हाँ हाँ, खुले में आओ, खुल के आओ। सेंचुरी बना गई। अब देखो ये इमारत कमजोर है। अब मैं आपको बताती हूं कि बुनियाद कितनी बुलंद है। एक मिनट, आपके सामने दो चॉइस हैं, दो चॉइस हैं। या तो ये अपना शगुन पूरा कर लीजिए
या एक बॉटल अंदर रखी है वो ले लीजिए। अरे बिट्टू मैं तो भूल ही गई, वो कपड़े गीले पड़े सूखने डालने, मैं अभी आई। बच गया रज्जू, बच गया, बॉटल की लॉलेज दे के बच गया। सिद्धू जी जगह ही नहीं मिली होगी उन्हें। कपिल अब कोई नहीं है, अकेले में आपसे एक दो बात बताना। जी सर। एक तो आपको बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ कि आपका ये जो शो है जी सर, ये सुपर हिट है, पूरी दुनिया इसको देखती है। थैंक यू सर। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन जी सर, ये सब लोग आपके इस शो में आए हैं। कभी आपको लगता था कि मैं आपके शो में आऊंगा आपसे सवाल? सर हमें बड़ी देर से इंतजार था, तो पहले तो मुझे शक था कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा आपके चैनल का पूरा लुक चेंज हो गया, लोगो भी नया, सब कुछ नया नया, मुझे लगा था कि कुछ नया आप करने वाले हैं और हमारे शो में जरूर आएंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर, आप कॉमेडी नाइट्स में आए। एक बार रजत जी के लिए जोरदार तालियां। लो जी, मुझे मम्मी जी ने बताया कि आप आए हैं, मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो आप क्यों इतनी खुश हैं? सर ये बात ये शाहरुख खान से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक सबको बोल चुके हैं, इन पे आप विश्वास कम ही करें थोड़ा। रजत जी सुनिए, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पता क्या रजत जी, आप इधर आइए। आपको पूरा मौका है, आप पे हाथ छोड़ दीजिए और इन पर इल्जाम आप लगाना चाहती हैं लगाइए। पता क्या रजत जी, हमारे शो में आपको तो पता है कि कितने कितने खूबसूरत लड़के आते हैं, वो बड़े रिच होते हैं, बड़े फेमस होते हैं, मतलब उनमें एवरीथिंग होती है, कुंवारे होते हैं, पर ये ना मेरी उनसे शादी नहीं होने देता। कपिल अब इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आए, कुंवारे भी आए उनमें। सर लेकिन वो लोग इनसे शादी क्यों करेंगे, आप खुद सोचिए, जिनको फरारी में घूमने की आदत हो पुराने ऑटो में क्यों बैठेगा वो? लेकिन जैसे रणदीप हुड्डा आए थे जी सर, अब वो तो आजकल ट्रक में घूम रहे हैं। चलिए बाकियों को आप गोली मारिए, आप ना मेरे साथ जरा खुलकर बात कीजिए अपने बारे में। आज तक ना मेरे से किसी ने दिल नहीं लगाया, आप कम से कम दिमाग ही लगा लीजिए। मेरे पास पूरा हिसाब है इस शो में। हाँ जी। इस जनता के सामने आपको बताना चाहता हूँ, 222 बार आप ये कह चुकी हैं कि मैं 22 साल की। देखिए जब भी मैं किसी से सवाल पूछने जाता हूँ, मुकदमा चलाने जाता हूँ, तो पूरे कागजात लेके जाता हूँ, और ये मेरे पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। आप कहें तो ये मैं पूरी कौन है ये आदमी? ये वही है जिन्हें तू कह रही थी अभी बड़े इंटेलिजेंट, अभी थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाई तो तेरे को हो गया ये। मेरे को तो पहले से पता था सर सर्टिफिकेट देखने से पहले ही कि ये और अन्ना हजारे साहब एक ही क्लास में पढ़ते थे। नाराज नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर ना एक ब्रेकिंग न्यूज बनाएं। आप ऐसा कीजिए मुझसे शादी कर लीजिए। Are you ready guys? No. चढ़ गई दाना पानी लेके। ये मान ही नहीं रहे। आप जरा मुझे बचाएंगे इनसे? सर एक शर्त है मेरी, उसके बाद इल्जाम तो नहीं लगाएंगे सर। चलिए आपको वादा रहा कि अब मैं एग्जाम नहीं लगाऊंगा। देखा सर, बड़े बड़े वकील डर जाते हैं मेरी बुआ से। एक सेकंड, अरे सुन तो सही। No, I don't like this. अरे सुनना, प्लीज टॉक टू मी। अरे दो मिनट, मैं पीछे बैठ कर रही हूँ आपकी व्यू। हाँ, आ जा, दो सेकंड, आ जा।
एक बार रजत सर के लिए जोरदार तालियां। सर कुछ सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ और मेरा सवाल भी आम जनता की तरह है, बिकॉज आजकल पाजी इलेक्शन का दौर चल रहा है। हाँ। सबके मन में एक ही चीज है कि वोट किसको दिया जाए, सरकार किसकी बनेगी। सो मेरे ख्याल से इस सवाल का बेहतर जवाब रजत सर से बेहतर कोई नहीं दे सकता है, तो आपका क्या कहना है सर? मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि इतनी सारी जनता यहाँ बैठी है कि किसको वोट दें, ये तो जनता तय करती है। पहली बात तो वोट जरूर दें। अब आपका वोट गलत ना हो जाए, ये फैसला गलत ना हो जाए, इसके लिए हमने ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार की है जिससे हम आपको हर नेता के बारे में, हर पार्टी के बारे में, हर विचार के बारे में बताएंगे। उसको लगातार आप देखते रहिए और जिस दिन वोट देने जाएं उस दिन आप सही सही अंदाजा लगा सकें, सही आदमी को वोट दें, सही पार्टी को वोट दें, देश को बचाएं। किंतु भाजी और मेरे मन में एक सवाल है। हाँ। कि हमारे देश में जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तकरीबन सबके सब एक काउंसलर से लेके पीएम लेवल के जो उम्मीदवार है सब रजत सर के दोस्त है। सर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मंत्री ने आपको कहा कि देखो रजत मेरे बारे में थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाना चैनल पे, ऐसा कभी होता है सर? ऐसे ही आज तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं। अच्छा, कोई ये कह दे। लेकिन लोग ये पूछते हैं कि जब आप इतने सवाल पूछते हैं कि क्या ये लोग सुधर रहे हैं, किसी में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, और मेरा एक ही कहना है, इन लोगों का एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, हम नहीं सुधरेंगे। थैंक यू सो मच रजत सर, आप कॉमेडी नाइट्स में अभी आपसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल करने, सो प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां रजत सर के लिए। सर आपने आपकी अदालत को शुरू किए हुए 21 साल तकरीबन हो चुके हैं और आपने ढेर सारी हस्तियों के इंटरव्यू किए, तो सबसे ज्यादा मजा या मेमोरेबल मोमेंट आपको क्या लगता है कि कौन से सेलिब्रिटी के साथ, कौन सी हस्ती के साथ इंटरव्यू करने में आपको मजा आया? आज बहुत मजा आ रहा है कपिल शर्मा से सवाल पूछने में। क्या करें सर, करिश्मा ही ऐसा है। मैं जरा लोगों को बताना चाहता हूं जी, पहली बार जब कपिल मुझे मिले तो एयरक्राफ्ट में थे, ये मेरे साथ वाली सीट पर बैठे थे, इन्होंने थोड़ा सा मुझे देखा और जेब से रुमाल निकाला, मुंह पे ऐसे रख लिया और आंख बंद करके सो गए। थोड़ी देर में जब एयर होस्टेस आई, उसने इन्हें खाना देने के लिए उठाया, तो ये दूसरे से मुंह करके खाना खा रहे थे, तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा आप ही वो कपिल हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं? तो इन्होंने कहा कि सर मैं इतनी देर से मूछ छुपा रहा था, पता नहीं आप क्या पूछ लें। और उस दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन कपिल शर्मा को कटघरे बिठाकर इनसे सवाल जरूर पूछूंगा। सर आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में पता करके लोगों को बताते हैं, हालांकि कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिसका इंटरव्यू करते हैं उसको अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, इनको ज्यादा होती है, तो सर आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहां से की, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप? कॉमेडी शो है लेकिन मेरी जो कहानी है वो उतनी सेक्सी, उतनी कॉमेडी वाली नहीं है, दुख भरी है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कॉमेडी शो है लेकिन एक एक मैसेज जरूर होना चाहिए लोगों का। कपिल बचपन मुझे याद है, एक 10x10 का कमरा था, एक बीमार पिताजी, बीमार मदर और बीमार बहन, तीन लोग और सात भाई, 10 लोग उस 10x10 के कमरे में रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि फ्लोर के ऊपर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे सो सकें, तो तख्ते जैसे लगाए हुए थे, उसके ऊपर एक एक करके सोते थे, एक के ऊपर एक। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाते थे, वहां से हम नहाते और 2 बाल्टी पानी एक बहन के लिए, एक माँ के लिए ले आते थे। पढ़ने के लिए रात को मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी जी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कई कई दिन मुझे ध्यान है, अमेरिका से पाउडर के दूध आता था गरीब लोगों के लिए, तो लाइन में लग के वो दूध के डिब्बे ले आते थे और उस वो दूध से कई कई दिन काम चलता था। कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता था, कोई किताब डोनेट करता था, एक साधारण कॉरपोरेशन का स्कूल था उसमें पढ़ते थे। अब माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और तो उसका एक बड़ी मन में तकलीफ थी और सपने बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे थे कि बस कहीं बैंक में नौकरी लग जाए, दोनों बैंक में ओवरटाइम मिलता था तो इतने कमा सके कि 2 वक्त खाना मिल सके। अभी भी वो दिन याद आते हैं तो तकलीफ होती है। पर सर आपने एक मिसाल कायम की है कि दिल में अगर लगन हो, जज्बा हो, तो कतरा कब समंदर बन जाता है ये पता भी नहीं चलता।
आज आपने जो बातें शेयर की सर, मेरे ख्याल से बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो कई बार किस्मत को दोष देते कि हमारी किस्मत नहीं थी। तो बात वही है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, आप खुद लिखते हैं अपने लिए। आपके दिल में जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर सच्ची लगन से करें तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं कपिल बताना चाहता हूं लोगों को कि सपने देखने चाहिए। हमने तो नहीं सपने देखे थे, लेकिन जो हमारे बाबूजी थे वो सपना देखते थे। घर में टीवी नहीं था तो पड़ोस के घर में हम टीवी देखने जाते थे। उन दिनों क्या होता था, आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे, आधी फिल्म संडे को दिखाते थे। तो एक दिन जब संडे को बाकी फिल्म देखने गए, शहीद फिल्म थी, तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं घर वापस आया तो आँख में आंसू थे, तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा हम फिल्म देखने गए थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, मैं आधी फिल्म देख नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। वाह, और जिन्होंने उस समय कमरा बंद कर लिया होगा अपना, वो बताते होंगे रजत जी इधर ही आते थे फिल्म देखने। सर आपने सैकड़ों लोगों की इंटरव्यू किया, लेकिन आज तक आपको कोई ऐसा सेलेब हो या कोई ऐसी हस्ती हो जिनको अपने शो में लाने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई हो? फिल्म इंडस्ट्री के शहनशाह, सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा एक्टर जिनको मैं मानता हूं, जो इंस्टीट्यूशन है, दिलीप कुमार साहब। जी जी दिलीप साहब, मेरी बड़ी तमन्ना थी उनको शो में लाने के लिए। मैं उनके घर गया उनसे मिलने के लिए, सुबह 9:30 बजे उन्होंने बिठाया। अच्छा। और शाम को 6:30 बजे तक हम बात करते रहे। अच्छा। उन्होंने कहा कि तो आप दिलीप कुमार को आपकी अदालत में बुलाना चाहते हैं, क्या पूछेंगे आप? तो मैंने कहा दिलीप साहब हम आपसे वही डिस्कस करने आया हूं। जी। आप पूछेंगे कि ए यूसुफ खान, ए दिलीप कुमार, तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो? तो मैंने कहा ये तो पूछेंगे जरूर। उन्होंने कहा कि 23 जून 1973 एक मोहतरमा आई थी सवाल पूछने के लिए, उन्होंने यही सवाल पूछा। तो मैंने उनसे पूछा कि किस बिना पर आप कह रही हैं, क्या आसिफ अपनी कब्र से आए थे आपसे ये पूछने के बताने के लिए कि दिलीप कुमार इंटरफेयर करता है? क्या महबूब साहब की रूह आई थी आपको ये बताने के लिए? तो मोहतरमा ने कहा कि नहीं, हमने सुना है। तो सुना है कि बिना पर तुमने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम डायरेक्टर के काम से इंटरफेयर करते हो, इंटरव्यू बर्खास्त, गेट आउट। तो मैं डर गया। मैंने कहा नहीं साहब, दिलीप साहब ये फर्ज नहीं पूछेंगे, बेशक आप पूछेंगे। अच्छा। बरखुरदार आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जनता की अदालत, आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि जज कौन होगा। मैंने जावेद साहब का नाम, मैंने कहा जावेद अख्तर साहब, उन्होंने कहा वो अच्छा आदमी है। अच्छा। तो जावेद अख्तर साहब जज होंगे, ये भी तय हो गया। 5-6 दिन बाद मुझे जावेद साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या बात की दिलीप साहब से? तो मैंने कहा कि वो मुकदमे की बात हुई थी। तो कहा कि यार 5 दिन से मुझे रोज बुला के जजमेंट लिखाते हैं, मुकदमा हुआ नहीं था, मैं फैसला लिख रहा हूं। ये अच्छी बात है, मुकदमा हुआ नहीं और जजमेंट लिखवा रहे। वाह। पर बड़े परेशान थे जावेद साहब इस बात से। जावेद साहब जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं होगी, दिलीप साहब रोज बुलाते लिखवा दे, लिखो भी जजमेंट, बताओ जजमेंट क्या लिख रहे हो आप हमारे लिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान दिलीप साहब को बहुत लंबी उम्र दे, हम सब उनके चाहने वाले। दिलीप साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आप प्लीज विराजमान। अच्छा रजत सर, आपको इल्जाम लगाने की जो तकरीबन आदत पड़ चुकी है, आपके आपके शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि घर पे बात करते करते भी आप इल्जाम लगाएं भाभी जी के ऊपर कि आप पर जनता का इल्जाम है, आपने चाय में चीनी कम डाली है? अभी किसी की हिम्मत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर इल्जाम लगाए? कहने का मतलब आप कुछ भी बन जाओ, घर पे आप हस्बैंड ही है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, रजत जी जब खड़े होते हैं ना अपने पेपर लेके, पूरा चिट्ठा सामने वाले के लेके, तो सामने वाले आदमी के एक्सप्रेशन यूं होते हैं, डरा होता कि पता नहीं कब क्या पूछ ले, सामने वाले की बोलती बंद होती है। लेकिन रजत जी कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी शख्सियत आई हो कि आपको उन्होंने चुप करा दिया हो, आपकी बोलती बंद हो गई हो? हाँ, अभी रिसेंटली राम जेठमलानी आपकी अदालत में थे, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी उनके बारे में। तो मैं उनको बता रहा था साहब हर चीज में आपके डबल स्टैंडर्ड है, हर चीज में आप डबल बातें करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मुझे पता चला कि आपकी 2 वाइफ हैं। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर,
बोथ माई वाइफ्स आर हैप्पियर देन योर ओनली वाइफ। तो उसके बाद फिर आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, अब ऐसी चीज में क्या जवाब दे सकते हैं, मुझे घर भी तो वापस जाना था। रजत जी, आपने 20-21 साल से लोगों से पता नहीं हजारों लाखों सवालात किए, आज हमारे जो जनता है यहाँ पे मौजूद है वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि देखने वालों को बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि पहली बार है कि रजत जी लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कौन हमारे दोस्त सबसे पहले सवाल पूछ रहे हैं? जी जी मैडम, क्यूटी पाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने सारे लोगों से सच उगलवाते हैं, पर कभी कोई आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको कोई ऐसा बंदा मिला हो जिससे आपको सच उगलवाने में मुश्किल आई हो? जब मनमोहन सिंह जी आपकी अदालत में आए थे तो मुझे लोगों ने कहा कि जो आदमी बोलता नहीं उसको आपने क्यों बुला लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऑपोजिशन लीडर थे। शुरू में तो थोड़ा चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बहुत जोर से बरसे, एक दो बार वो बड़े गुस्सा भी हुए और एक बार मुस्कुराए भी। आप क्या करती हैं मैडम? मैं जॉब करती हूँ सर। जॉब के किस डिपार्टमेंट में? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में? यस सर। तो क्या उसमें आप क्या करती हैं? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट? यस सर। रिस्क मतलब कैसे? किसी को ज्यादा लॉस हो जाता है तो उनको हम बचा लेते हैं। कैसे? उनका माल फोड़ देते। माल फोड़ देते? माल फोड़ सर आप नहीं समझेंगे। फिर भी बताओ ना। नहीं, उनका माल स्टॉक्स, कैसे? उनका माल... स्टॉक्स सेल कर देते सर। तो माल फोड़ फूट जाता है? यस सर, बलून जैसा फूट जाता है। जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए के किसी ने शेयर लिए। रजत सर, आई वांट योर हेल्प सर। कपिल, कपिल वो कह रही है कि आप इतने पढ़े लिखे नहीं है ऐसी बातों को समझ सके। किसी दिन रजत सर नहीं हुए ना यहाँ पे, फिर आप आए फिर बताऊंगा मैं आपको। चलिए, थैंक यू मैम, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त जो रजत जी से बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब आइए। हाय कपिल सर। हाय रजत सर। हाय। मेरा प्रश्न रजत सर से है जी, ये इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है जिसे ये अपने आपकी अदालत में बुलाना चाहते हैं और लगातार इल्जाम लगाना चाहते हैं? इतना अकड़ के देखिए, मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता हूं, तो जो फिल्म के लोग आपके अदालत में आते हैं उनसे ही मुझे पता चलता है। जैसे सलमान खान आए तो उन्होंने मुझे कहा कि कटरीना बहुत प्यारा नाम है सर। थोड़े दिन बाद रणबीर आए, उन्होंने कहा कटरीना बहुत प्यारी है सर। शाहरुख खान आए तो उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं मैं बता सकता। पर्सनल चॉइस क्या है? ये अंदर की बात है। देखिए, कुछ राज ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं बताए जा सकते। आपको कौन सी हीरोइन पसंद है सर? माधुरी दीक्षित। वो अभी आई थी थोड़े दिन पहले, आप आए नहीं? पता नहीं था सर। पता नहीं था? अच्छा, पहली बार हुआ रजत सर से कोई ऐसे पूछ रहा है, सर आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? काम क्या करते हैं सर आप? माधुरी जी के आप फैन है? हाँ जी। तो माधुरी जी की तो शादी हो गई अभी डॉक्टर ने। ठीक है, हमारी भी हो गई। अभी भी आपको, आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं अंदर ही अंदर माधुरी जी से? लवी डवी। कलाकार की नजर से देख। डॉक्टर ने ना इतना बड़ा इंजेक्शन बनवाया हुआ आपको पता है, वो जब कोई माधुरी जी की तारीफ करता ना वो स्वीट ठोक देते बिना बताए। आप अकेले आए भाई साहब? हाँ जी। तो ये साथ में कौन बैठे हुए हैं आपको नहीं पता? अब माइक दीजिए भाई साहब को। भाई साहब आप भी अकेले ही आए? नहीं, दोस्तों के साथ आए। कहाँ है दोस्त? इधर बैठे, इधर बैठे। तो ये कहे के दोस्तों है, मतलब खुद दोस्तों के साथ नहीं बैठे, मैडम के साथ बैठ गए आप। मैडम आपके साथ आई हैं? आप इनके साथ आई? मैडम आप किनके साथ आई हैं? मैं इनके साथ आई हूँ। अच्छा, आप इनके साथ आए हैं। और ये किनके साथ आए? ये मेरे साथ आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ आए? हाँ जी। और सबसे कोने में बैठे हैं? मैं इनके साथ आया।
तो ऐसा उलझ के क्यों बैठे, जो जिस जिसके साथ है उसके साथ बैठो ना। दोस्त आए, दोस्त को कहीं और बिठाया, चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी 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 मैडम आइए। पिंकिटी पू मोहतरमा। सर ये देख लीजिए रजत जी, मैं अकेला ही नहीं हूँ जो हंसी मजाक करता हूँ, मैं खिंचाई नहीं करता हूँ, लेकिन सिद्धू भाई सबसे पहले ये करते हैं कमेंट। फाड़ दे बिल मेरे ऊपर, फाड़ दे। जी जी मैडम। रजत सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक इतने नेताओं और अभिनेताओं का इंटरव्यू लिया है, इसमें से सबसे अच्छी एक्टिंग आपके अनुसार किसने की है, नेता या अभिनेता? अभिनेता जब आपकी अदालत में आते हैं तो वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते, लेकिन जब नेता आते हैं वो अभिनेताओं से भी ज्यादा बढ़िया एक्टिंग करते हैं। आपसे मेरी बातचीत ही नहीं हो पाई, आपने बताया नहीं आप क्या करती हैं। मैं कॉलेज में। कौन सी क्लास में? FIJC। FIJC क्या होता है? ये फिर वही पढ़े लिखे लोगों की बात है। आप बैठ जाइए, पता क्या आपके चक्कर में मेरी खिंचाई हो रही है यहाँ पे। अच्छा रजत सर ने कहा कि अभिनेता जब आते हैं वो एक्टिंग नहीं करते, जब नेता आते हैं तो एक्टिंग करते हैं। सिद्धू साहब भी आपके शो में आए थे, इन्होंने एक्टिंग की थी कि नहीं की थी? मुझे आज तक ये नहीं पता चला ये नेता है या अभिनेता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब ये क्रिकेट खेलते थे पूरी ताकत से खेलते थे, जब ये टीवी पर आते हैं तो पूरे जोश से आते हैं, जब ये नेतागिरी करते हैं तो पूरे होश में करते हैं। वाह। आप लोगों के दिल में बसते हैं, लव यू सिद्धू भाई। और कोई हमारे दोस्त जो रजत जी से बात करना चाहते हैं? जी वजनदार मोहतरमा। जी मैम। नमस्ते पाजी, नमस्ते कपिल जी, नमस्ते। आपके लिए क्वेश्चन है रजत जी, आप इतने बिजी हैं, आप इतना काम करते हैं, आप अपनी वाइफ को कैसे एंटरटेन करते हैं? क्या आप उनको कभी मॉल में ले जाते हैं, शॉपिंग ले जाते हैं या रेस्टोरेंट्स? देखिए मॉल शॉपिंग या रेस्टोरेंट ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा वहाँ पर आ जाते हैं कि तो मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर सच्ची बात पूछें तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह दुनिया में ढूंढें जहाँ पर लोग इंडिया टीवी ना देखते हो, तो ऐसी जगहों पर हम लोग चले जाते हैं। लेकिन तो फिर आप कहाँ जाते हैं मैडम के साथ रोमांस करने, मंगोलिया? अगर वो जगह मैं सबके सामने बता दूंगा तो अगली बार वहां कैसे जाऊंगा। अच्छा रजत सर की पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि सीरियस इनके सामने वैसे आदमी डर जाता है, हालांकि दिल के बड़े स्वीट है। पर मुझे लगता है कि मैडम को ये अगर रोमांटिक भी होते होंगे तो कैसे बोलेंगे कि कहीं बाहर जाके फ्रांस में आज मेरा दिल कर रहा है हम स्विमिंग करें। तो सीरियस होके बोलते होंगे ना। आप अकेली आई मैडम? मेरी ब्रदर और सिस्टर के साथ। पर इस तरह तो सिस्टर बैठे, हमने हाथ किया मेरे ब्रदर और सिस्टर के साथ, बैठे बैठे जेंडर चेंज कर दिए। नमस्कार सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो आपके भाई साहब आए साथ में? जी। अच्छा, और सिस्टर आई? बहन आई, वी आर फ्रॉम यूएस, फ्रॉम शिकागो। अरे सच्ची में? जी। मतलब यूएस में बेस्ड है के? जी वहीं बेस्ड है, फ्रॉम लास्ट। तो आज यहाँ मुंबई कैसे आना हुआ? आपसे मिलने स्पेशली। नहीं ये तो गलत बात है। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। कैन आई रियली शेयर समथिंग विद यू कपिल जी? जी जी प्लीज। फ्रॉम लास्ट 28 इयर्स मेरे हस्बैंड आज तक हिंदी कुछ भी नहीं देखते थे, नेवर यूज्ड टू वॉच एनी हिंदी मूवीज और एनी टीवी सीरियल। लास्ट ईयर उन्होंने आपका शो देखा, उसके बाद से वो आपका एक भी शो मिस नहीं करते और हर एक हिंदी, जैसे हिंदी शो आपका आता है वो हमेशा हमारे साथ फैमिली के साथ देखते हैं। थैंक यू सो मच। और अपने अंग्रेजी दोस्तों को भी बुला के लैपटॉप में दिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। सच में खुशी होती मैम, बिकॉज आप यूएस में जो रहते हैं या कनाडा में या जितने भी बाहर लोग रहते हैं, वो जब उनके हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैसेजेस आते हैं कि हम लोग जब आपका शो देखते हैं तो हम अपने देश को बिल्कुल यू नो जितना मिस करते हैं, तो वो हमारी भरपाई हो जाती है। तो शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, ऐसे ही आप आते रहा करिए कभी कभी, शुक्रिया। थैंक यू कपिल जी। और कोई हमारे दोस्त जो रजत सर से बात करना चाहते हैं? जी आइए सर। नमस्कार कपिल जी। हाँ माइक में कीजिए नमस्कार, आपके अंदर ही रह जाएगी नहीं तो हमें पता सुनाई नहीं देगा। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार रजत जी। नमस्कार सिद्धू जी। नमस्कार जी। सर आजकल आम आदमी का वक्त बहुत खराब चल रहा है, तो इसमें कुछ
आपको भी क्रेडिट जाता है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आदमी इस देश की जनता को, इस देश के सामान्य आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको मैं छोड़ूंगा। आप क्या करते हैं वैसे भाई साहब? मैं शेयर मार्केट में माल फोड़ते हैं, माल। ये फोड़ो फोड़ो फोड़ो। शेयर मार्केट वाले हमारे शो में आए हैं कि हम उनकी मार्केट में आए हुए हैं? जिसको देखो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। चलिए फोड़ो फोड़ो सर, फोड़ो। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी हाँ जी भाई साहब। अरे वाह सर, आपको सवाल है एक आपसे। ये पॉलिटिशियंस इतना खाते हैं, इन लोग बदहजमी नहीं होती सर? एक हम लोग ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ता है सर। खाते पॉलिटिशियन है, पेट तेरा बढ़ रहा है। पॉलिटिशियंस को बदहजमी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो असली माल खाते हैं। मसलन ऐसी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होती हैं, जिसमें मिलावट का कोई स्कोप नहीं होता, तो उसको बदहजमी कैसे हो सकती है? आप पैसे क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं? तो शेयर्स में हूं सर। फोड़ो फोड़ो फोड़ो। मुझे लगता है कि कल शेयर मार्केट बंद रहेगा। सारे दुधर आए हुए हैं। तो यहाँ आए हुए तो सारा शेयर आपने खुद ही रखा हुआ है कि किसी को भी दे देते हैं? नहीं, तो खुद का ही है सर। अच्छा अच्छा, शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू जी। और हमारे दोस्त कोई? जी नमस्ते सिद्धू जी। नमस्ते कपिल जी। कपिल को भी हाय कीजिए। नमस्ते रजत जी। हाल ही में अभी इटली में इलेक्शंस हुए, वहाँ के जो पीएम है ही जस्ट 38, वेरी यंग। आपसे मेरा सवाल है, आप इतने एक्सपीरियंस्ड एंड ग्रेट जर्नलिस्ट हो, तो आप आपका ओपिनियन आई वांट कि इंडिया में कौन सा ऐसा यंग पीएम आपको कैपेबल लगता है? आज देश का यूथ खुल के सामने आ रहा है। आप किनको चाहती हैं, कौन पीएम बने? मेरी नजर में तो कोई नहीं है आज तक। तो ऐसा करें कि अगर आज यहाँ तय करें, जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होती, जनता की क्लैरिटी नहीं होती, कपिल शर्मा को यह काम दिया जाए। मैं क्या करूंगा सर पार्लियामेंट में जाके, मैं यही सब करता रहूंगा जो यहाँ पे करता हूँ। कम से कम लोग हंसेंगे, खुश रहेंगे, सेहत ठीक रहेगी लोगों की। शुक्रिया। आप देख रहे हैं पीएम कपिल शर्मा का शो। थैंक यू। अच्छा, ये सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज रजत सर कॉमेडी नाइट्स में आए, तो एक आध कोई ऐसा हमारा दोस्त जो रजत सर को कोई जोक सुना के हंसा सके। हाँ जी प्लीज। हरियाली और रास्ता, खड़का खड़का चुटकुला। जी सर। सर कोई भी दामाद जब अपने ससुराल जाता है जी, तो उसके ससुराल वाले उसकी बहुत खिदमत करते हैं, बहुत खिलाते पिलाते, ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि वो जानते हैं कि उसके घर, उनके घर का तूफान अब वो संभाल रहा है। हमारे देश में दामाद जी पर ज्यादा जोक नहीं करने चाहिए। ओ रजत शर्मा, सर आप बैठ। कम नहीं होने वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे। रजत शर्मा, जनता का आप पे आरोप है, वो वाले रजत शर्मा।
मतलब मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। एक मिनट चींटी काटेंगे प्लीज। इतनी जोर से नहीं। हाँ लेकिन ये तो सच है, आप ही है रजत शर्मा। नहीं नहीं, हमने मोम वाले मंगवाए हुए हैं। सर आपने इसको चुटी काटी, आपका नाखून तो नहीं टूटा? मिस्टर शर्मा आज रहने देते हैं, मतलब आज मुझसे आप बातें ना करें प्लीज, क्योंकि आज यहाँ पे रजत शर्मा आए हुए हैं और रजत जी मैं आज आपके सामने इस इंसान पर बिट्टू शर्मा पे इल्जाम लगाना चाहूंगी। खुल के लगाइए, बिना डर के लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। इल्जाम बाद में लगा, पहले डीओ लगा के आ दूं। एक तो महीना महीना नाती नहीं, ऊपर से ऐसे ऐसे करके नाचती है। तेरे को पता जब भी तू आती ना हमारी बकरी ऐसे करती। ठीक है, मैं ना आज आपको बताना चाहती हूँ रजत जी, मैं इन पे इल्जाम लगाना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही खराब मतलब ऐसे वैसे नहीं, मतलब बहुत ही खराब पड़ोसी है। मैं इनसे कभी भी कुछ भी मांगती हूँ ना, ये नहीं देते। क्या बात करें, मुक्का मांग के देंगे, की जगह तीन दूंगा तेरे को। सुना आपने, सुना, मैं ऐसे चीनी मांगने के लिए ना कटोरी लेकर आती हूँ इनके घर पे, तो चीनी तो बहुत दूर की बात है, कटोरी भी रख लेते हैं। कहते हैं 6 दिन लगातार ऐसे कटोरी लेकर चीनी मांगने आ, हमारी घर का डिनर सेट पूरा हो जाएगा। भिखारी आदमी है। हम भिखारी हैं, ये नासा में चीफ साइंटिस्ट है। भिखारी वो होते जो कटोरी लेके मांगने आते हैं, समझ में आया ना? मुझे एक मिनट प्लीज प्लीज यार प्लीज, ऐसी सीरियस बातें करके क्यों आप मुझे बोर मत कीजिए प्लीज। मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि ये इंसान मेरे फाजिल दोस्त यहां पर सीरियस बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली आप यहाँ पर बैठे, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अदालत में जब भी बात करते हैं हु इज फाजिल दोस्त, मतलब मैंने अच्छा दोस्त सुना है, लंगोटिया दोस्त सुना है, फाजिल इज हु? समझदार। अच्छा उसे कहते हैं वो ना अदालत में, पता नहीं ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, वो भी कहते हैं ना कि अदालत कल के लिए मुलतवी की जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ऐसे कल मिल लेंगे, ओके सी यू बाय, आज खत्म होता है सेशन, ऐसे नहीं बोल सकते। व्हाट इज मुलतवी, मतलब ये भी कहते हैं कि आपको सजा दी जाती है दफा 302 के तहत, ताजी रातें हिंद। ताजी रातें क्या होती हैं? लाइक रोमांटिक रातें होती हैं, अच्छी रातें होती हैं, ताजी। मतलब आपको दफा 302 में सजा मिलती है, ताजी रात मतलब आखिरी ताजी रात होती है, फ्रेश के बाद, वो इट्स अ फ्रेश नाइट। हाँ मतलब ताजा खाना खा के सो ना तो ताजी रात होती है, जैसे तुम लोग बासी खाना खाते हो तुम्हारी बासी रात होती है ना। आप यहां पर देखिए आपके सामने कौन बैठा हुआ है, ये भी शर्मा है, आप भी शर्मा है, फर्क देखिए, लेकिन ये कितने अच्छे हैं, मतलब कितनी फनी फनी बातें करते हैं, कितनी कॉमेडी करते हैं ये, और आप तुमने कब देखा उनको कॉमेडी करते हुए? ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। मैंने इनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखी है। ओके, कब कहां की उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी? यहां ऊपर खड़े होके अभी मैं देख रही थी, आज तो यही कर रहे हैं सब कुछ। देखा है, चाहे भले ही भैंस है लेकिन नकल पूरी है। यही मेरा अगला आरोप है रजत जी, मेरा अगला आरोप है इस इंसान पे। मुझे बताइए, इनको हमेशा यहां पर एक भैंस दिखाई देती है। जो सिर्फ इनको दिखाई देती है, मुझे पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देती। अब कपिल इनका इल्जाम तो ठीक है जी सर, क्यों आप इनको भैंस कहते हैं? और अगर फिर शुरू हो गए। देखिए उनकी बात सही है, अगर किसी के घर में आईना नहीं है तो उसको आईना गिफ्ट करना चाहिए। देखिए सर आपका न्यूज चैनल होगा लेकिन आप इस तरह नहीं बोल सकते मुझसे। नहीं एक्चुअली बोलने से याद आया, मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ। नहीं मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी न्यूज रीडर बन सकती हूँ, तो आप अपने चैनल के लिए मुझे न्यूज रीडर क्यों नहीं रख लेते? मतलब आपके लिए अच्छा ही होगा। न्यूज प्रेजेंटर रखने से पहले ऑडिशन होता है, एक टेस्ट लिया जाता है। हाँ तो मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, बताइए ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट।
कैसे न्यूज पढ़ेगी? कोई उदाहरण बताइए, कैसे आप न्यूज पढ़ सकते हैं? सर, अगर ये न्यूज रीडर बन गई तो मेरे ख्याल से दर्शकों को भी कम से कम 150 इंच का टीवी लेना पड़ेगा। टीवी तो ये आएंगी नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं दिखाऊं आपको, मैं दिखाती हूँ, आप बैठिए ना। दिखाना नहीं है, बोलना है। हाँ, मैं बोल के दिखाती हूँ। दो देशों के बीच में छिड़ गई है जंग। बहुत अच्छी पढ़ी आपने, तमंचे से अच्छा तोप पे डिस्को कर तू। लेकिन न्यूज रीडर होने के लिए, प्रेजेंटर होने के लिए बहुत जरूरी है आपका डिक्शन ठीक हो। हाँ, तफल्लुज। तो मैं आपको एक एक सेंटेंस बताता हूं, इसको 5 बार आप लगातार बोलिए। जी सर, 2 बार बोलने के बाद भूख लग जाती है इसको। पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? अब पलक हम कपिल से कहते हैं, ये जरा बोल के दिखाएं ये। ओके, लेट्स गो। पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? आई थिंक बोथ आर इक्वली हायर। अच्छा, मैं सिद्धू जी से पूछता हूं। सिद्धू जी, आप बोल सकते हैं पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की 5 बार लगातार? यार, मैंने जब ऊंट को देखा था उसकी पूंछ इतनी ऊंची नहीं थी। अब पलक, एक टेस्ट आपको फिर से देना है, ये पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की, जल्दी जल्दी बोलना है 5 बार। मैंने कर तो लिया था, वो धीरे धीरे किया था ना आप। पीठ ऊंची ऊंट की के पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ ऊंची ऊंट की? रहन दे, ऊंट चला गया, वेट करता रहा कि पूंछ ऊंची करेगी, तूने की नहीं, निकल गया। मतलब सर, इसका मतलब मैं न्यूज रीडर नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ध्यान से गिरना नहीं। स्टेज पे तेड़ आ गई। डोंट वरी, शी जस्ट डाइट। हो आप कोशिश करो कि आप रिपोर्टर बन जाओ, अंदर को कोई खबर है वो जल्दी से लेके आओ। एक काम करो, रिपोर्टर रहना तो इधर हैंडल लगवा, तू जनरेटर बन जा। कोई खबर लेके आओ, ये देख के आओ कि कश्मीर में मौसम कैसा है। ये घर के अंदर जाके देख के आ जाऊं। मैं अभी आई। कपिल जी, हमने पूरे परिवार की तरफ से इल्जाम लगाए, जनता के सामने इल्जाम लगाए, तो एक तो करिए कि जो परिवार के सारे लोग हैं जिनकी तरफ से आप पर इल्जाम लगाए थे, सवाल पूछे थे, उनको भी जरा बुला लीजिए। हाजिर हो भाई। फैमिली, गलत फैमिली, हाजिर हो भाई। आज आप सब लोगों की तरफ से मुकदमा चलाया गया कपिल शर्मा पर, और अब हमारे जज साहब सामने हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, आपका फैसला। ये आदमी कसूरवार है, और इस आदमी का कसूर यह है कि यह हिंदुस्तान को बहुत हंसाता है। बहुत हंसा। थैंक यू सर। और इसकी सजा भी यह है कि यह हजारों साल जिए और हजारों साल ऐसे ही हिंदुस्तान को हंसाता है। ओ, मैं छूट गया। और सब हमारी भी उस रब से एक इल्तिजा है, एक दुआ करते हैं हम आपके लिए कि आपने जैसे 21 साल से ही अपने शो को चला रहे हैं,
भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप 200 साल तक ये शो चलाते रहे और लोगों के कच्चे चटे झेड़ते रहे। जोरदार ताली एक बार रजत सर के लिए। तो हम आज शरेआम बरी हो गए, बरी होने की खुशी में पार्टी। कम ऑन, लेट्स प्ले द म्यूजिक। बजाओ बजाओ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.